गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैकग्राउंड में गाइज यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं, तो वो जो है वो आपके फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि बिल्कुल भी सेव नहीं हो रहा है, मतलब कि शो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अगर आपके पास एक ओप्पो का फ़ोन है तो आज मैं आपको इसका सेटिंग बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसको सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपके फ़ोन में भी ये जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्लाइड करके डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को सबसे पहले ऑन कर देना है। जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन को ऑन करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऊपर की ओर इस तरीके से स्लाइड करना है। जैसे ही आप ऊपर की ओर यहाँ पर स्लाइड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ऊपर की ओर स्लाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और यहाँ पे आपके सामने बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का ऑप्शन शो होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड लिमिट में सेटिंग कर देना है। जब भी गाइस आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट में सेटिंग करेंगे तो आप जो है बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर रन कर पाएंगे। ओके, तो आपके फ़ोन में नो बैकग्राउंड प्रोसेस का में सेटिंग होगा तो उसको आपको स्टैंडर्ड लिमिट में सेटिंग करना है। और अगर आप उसको एट मोस्ट वन प्रोसेस, टू प्रोसेस या फिर थ्री प्रोसेस में सेटिंग करेंगे तो जितना प्रोसेस आप सेटिंग करेंगे उतना ही एप्लीकेशन आप इस पर बैकग्राउंड में रन कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको सभी एप्लीकेशन को रन करना है तो आप जो है स्टैंडर्ड लिमिट में सेटिंग कर लीजिए, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।